टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी। सो वी नॉर्मली कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस लाइक इन टर्म्स ऑफ द टाइम स्पेस टाइम रिक्वायरमेंट एंड द स्पेस रिक्वायरमेंट। ओके सो सपोज एक्स इज ट्रीटेड एज एन एल्गोरिथम एंड एन इज ट्रीटेड एज द साइज ऑफ द इनपुट। Then the time and space implemented by the algorithm X are two main factors which determine the efficiency of the N. Like if we want to do the performance analysis of the algorithm, okay, then we simply consider the time and space requirement of that particular algorithm. So time factor, that is the time is calculated or measured by counting the number of key operations such as comparison and sorting algorithm. अच्छा, whenever we are just finding out the time complexity, तो उस केस में क्या होगा? किसी भी एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज मेनली डिपेंड्स ऑन द की ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम। की ऑपरेशन से मीनिंग क्या हुआ? जैसे सपोज सर्चिंग ऑपरेशन है, बाइनरी सर्च है या लीनियर सर्च है, तो की ऑपरेशन इज दिस जो उसमें मैक्सिमम टाइम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम हमारी हो गई तो उस एल्गोरिथम में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक स्टेटमेंट का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उन सबको फाइनली सम अप कर लेते हैं। ठीक है, और उस में जितने भी स्टेटमेंट्स में से जिस भी स्टेटमेंट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, मेनली पूरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी उसी स्टेटमेंट पर डिपेंड करती है। तो दैट इज़ द की ऑपरेशन और द की स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे वी आर जस्ट डूइंग द सर्चिंग ऑपरेशन, तो सर्चिंग ऑपरेशन में क्या होगा, द कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन ऑपरेशन कि उसमें कंपैरिजन होगा बार 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 बार। सॉर्टिंग ऑपरेशन में उसमें भी कंपैरिजन होगा बार 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 बार। तो दैट द की ऑपरेशन ऑफ द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम इज द कंपैरिजन ऑपरेशन। नाउ स्पेस फैक्टर की बात करते हैं, तो स्पेस इज कैलकुलेटेड और मेजर्ड बाय काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम। हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे स्पेस फैक्टर पे, वी विल जस्ट फोकस ऑन द टाइम फैक्टर और द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम प्रोवाइड द रनिंग टाइम और स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम विद रेस्पेक्ट टू द एन दैट इज द इनपुट डेटा। अच्छा, इसमें भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। समटाइम्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट एन, दैट इज द स्टैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, टी ऑफ एन इक्वल ओ ऑफ के, सपोज इट इज़ द कॉन्स्टेंट, देन इट इज़ द स्टैटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये हो गया सिस्टम इन यूजर इनपुट इंडिपेंडेंट, जो भी इनपुट जा रहा है उससे इंडिपेंडेंट है। दूसरा हो गया इनपुट डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सिटी, तो जिसमें क्या होगा, जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, लेट सपोज वी आर अप्लाइंग द लीनियर सर्च एंड द वैल्यू ऑफ एन इज 1000, सपोज वैल्यू ऑफ द एन इज 100, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी। इसमें 1000, और सपोज जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट में नहीं है, तो ये 1000 टाइम एग्जीक्यूट होगा लीनियर सर्च में, ये 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो दैट्स वाई इट इज सिस्टम सॉरी यूजर इनपुट डिपेंडेंट, जो यूज का इनपुट है उस पर, साइज ऑफ द इनपुट है उस पर डिपेंडेंट है कॉम्प्लेक्सिटी। सो दैट इज द डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इट इज जस्ट नथिंग बट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्यूट और हाउ मच टाइम द होल एल्गोरिथम नीडेड टू एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इट इज नथिंग बट द स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, जिसकी जो टोटल स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट है। नाउ एन इज द साइज ऑफ द इनपुट एंड वी सिंपली डिनोट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक दिस, टी ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, दिस ये हमारा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन। जो मैंने नोटेशन में बताया था ना आपको, जैसे हमारे पास फंक्शन थे एफ एन पॉजिटिव फंक्शन एंड जी एन, तो ये जो फंक्शन है इट इज द टी एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन। ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सो हाउ रैपिडली टी एन ग्रोज व्हेन एन ग्रो, जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज होती है। जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वहाँ पे, तो उसमें हमारा जो फंक्शन था वो किस तरह से ग्रो कर रहा है एज वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन। ओके, तो इट कैन बी ऑर्डर ऑफ एन, इट कैन बी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, इट कैन बी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ टू एन, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, ऑर्डर ऑफ 2^n, एनी थिंग इट कैन बी पॉसिबल। दीज आर द असिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। जैसे देखो ये हमारा लॉग एन फंक्शन हो गया, ये सब लीनियर वे में इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा लीनियर फंक्शन हो गया, ये एन की वैल्यू लीनियर वे में इंक्रीज हो रही है।
ये एन लॉग एन फंक्शंस हो गया, ये एन स्क्वायर हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ये क्यूबिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम अगर हम इन पे सपोज किसी ये देखो जो जिसका ग्राफ सबसे इसमें बड़ा है, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द इनपुट ऑफ द एन, जैसे सपोज हम मान लें यहाँ पे ये हमारा इनपुट है और ये हमारा ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो जिसकी ग्रोथ एन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है वो उसकी वैल्यू मतलब दैट विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू अदर। तो इफ एन एल्गोरिथम्स कॉम्प्लेक्सिटी टू रिच पावर एन एंड इफ वन एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी इज लॉग ऑफ एन देन दिस एल्गोरिथम्स विल रिक्वायर मच मच मोर टाइम एज कम्पेयर टू दिस एल्गोरिथम मीन्स और वी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस एल्गोरिथम इज मच मोर टाइम एफिशियंट और वेरी एफिशियंट एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वर्स्ट केस में यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रहा है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, लॉग एन सबसे कम, एन से ज़्यादा, एन लॉग एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी आती हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ बताई थी द सॉल्वेबिलिटी और अनसॉल्वेबिलिटी, ठीक है, मीन्स कुछ एल्गोरिथम का हम सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकने का मीनिंग है इफ़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एल्गोरिथम सपोज कंप्लीट इन द 100 ईयर्स और 10 ईयर्स देन वी कैन से दैट दैट एल्गोरिथम इज अनडिसाइडेबल और अनसॉल्वेबल। तो हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स उनको एज्यूम करके चलते हैं ओनली जिन एल्गोरिथम्स का ही कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल टाइम में डिफाइन कर सकते हैं, देन दैट इज दैट प्रॉब्लम इज वेरी इजी प्रॉब्लम और सॉल्वेबल और डिसाइडेबल प्रॉब्लम। एंड इफ द कॉम्प्लेक्सिटी कैन नॉट बी डिफाइंड इन द पॉलिनोमियल टाइम देन दैट कॉम्प्लेक्सिटी दैट दोज एल्गोरिथम्स आर नोन एज अनडिसाइडेबल और अनसॉल्वेबल और वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे इससे अगर मैं किसी को सॉल्व करता हूँ तो सपोज वो 10 सेकंड में रिजल्ट आ रहा है, इससे करने पे 10 साल में आ रहा है, देन इट विल बी वेरी एफिशिएंट एंड डिसाइडेबल एंड इट विल बी अनसॉल्वेबल और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम और वेरी हार्ड प्रॉब्लम। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू रन टू कम्प्लीशन। तो बेसिकली होता क्या है, कई बार क्या होता है कि द मोस्ट ऑफन इनकॉन्टेड कॉज फॉर मेमोरी लीक इज दिस द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड इज लार्जर देन द मेमोरी अवेलेबल बाय अ गिवन सिस्टम। तो सम एल्गोरिथम मे बी मोर एफिशिएंट इफ डेटा इज कम्प्लीटली लोडेड इनटू द मेमोरी। तो हमारे पास क्या होता है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम होती है, उसमें एक एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम होती है, तो दैट कैन पास द डेटा फ्रॉम आउटसाइड द मेन मेमोरी। तो अगर पूरा का पूरा डेटा हमारे पास मेन मेमोरी में है तो एल्गोरिथम बेटर वे में वर्क करेगी, पर अगर हमारा डेटा मेन मेमोरी में नहीं है तो क्या होता है मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है वो इंक्लूड हो जाएगा, जैसे मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस की फिर राइट की फिर एक्सेस की फिर राइट की, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन होगा। और अगर पूरा का पूरा डेटा ही हमारा मेन मेमोरी में है देन क्या होगा उसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम होगा, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग द मेन मेमोरी इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सपोज 2 GB ऑफ टेक्स्ट इन वेरियस डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो डेटा सोर्सेज है वहाँ से लिया है, तो अगर मैं इस पूरे पूरे टेक्स्ट को मेन मेमोरी में ले सकता हूँ देन आई कैन वेरी इजीली क्लासीफाई दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। बट अगर हाँ सर आप रैम को मेन मेमोरी रेफर कर रहे हैं? रैम ही मेन मेमोरी होगा, ओके सर। ओके रैम ही नॉर्मली मेन मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क को नहीं लेंगे उसमें, ठीक है। और इनमें भी अगर हम कॉस्ट को डिवाइड करें सेपरेटली देन द सेकेंडरी मेमोरीज आती हैं लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई या हमारे कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, है ना, अदर जो मेमोरी स्टोरेज हैं। तो बेसिकली कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है अगर होल डेटा मेन मेमोरी में है तो उसको एक्सेस करना का जो टाइम कंजप्शन है दैट विल बी वेरी लेस, तो क्या होगा प्रोसेसिंग फास्ट होगी। बट डेटा ही अगर हमको आउटसाइड द मेन मेमोरी हमको फैच करना पड़ रहा है तो टाइम कंजप्शन बढ़ जाएगा, टाइम कंजप्शन बढ़ेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ज़्यादा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सपोज वी आर हैविंग जैसे इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज C+F, ठीक है, वेयर C इज द कॉन्स्टेंट और ये नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक
इसमें हमारे पास तीन स्टेप हैं, स्टेप 1, 2, 3, इट इज स्टार्ट एंड स्टॉप एंड इट इज सम काइंड ऑफ असाइनमेंट एंड सम काइंड ऑफ ऑपरेशन। सो हियर वी आर यूजिंग थ्री वेरिएबल्स पी क्यू एंड आर एंड वन कॉन्स्टेंट वैल्यू दैट इज 10। सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल टाइम रिक्वायरमेंट विल बी स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर दिस कोड विल बी 1 + 3। अच्छा, अब ये जो 3 है इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम और द डेटा टाइप, जिस तरह के डेटा टाइप्स हैं। अगर इंटीजर टाइप के हैं तो सपोज इंटीजर टाइप की रिक्वायरमेंट सिस्टम में 2 बाइट्स की है, देन इट विल बी 3 × 2। अगर वो फ्लोट है और अगर वो डबल है, लॉन्ग इंटीजर है, तो उस अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन हो जाएगा। सो द स्पेस इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा टाइप ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट टाइप एंड वेरिएबल एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंगली। और जो कॉन्स्टेंट है वो अलग सेपरेटली यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया। Now we're talking about the efficiencies, and efficiency of an algorithm can be measured in terms of execution time, time complexity and space complexity. ये हम बार बार देख चुके हैं इसका मीनिंग क्या है, बट विच मेजर इज इम्पॉर्टेंट। सो नॉर्मली वी जस्ट गो फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर, ठीक है। सो आंसर ऑफन डिपेंड्स ऑन द लिमिटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। इस पर भी है, बट इन नॉर्मल केसेज वी जस्ट फोकस ऑन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओनली। पर सिचुएशन बेस्ड भी है, सपोज इट मे बी पॉसिबल लाइक देर आर नो टाइम कंस्टेंट्स ओवर देयर, तो जो डेडलाइंस हैं वो सॉफ्ट हैं। देखो दो तरह की डेडलाइंस होती हैं, टाइम की बात करें तो हम टाइम सॉफ्ट डेडलाइन हार्ड डेडलाइन। तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट वहाँ पर लिमिटेड है, इन दैट केस वी विल फोकस ऑन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इट मे बी पॉसिबल जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो कंस्टेंट्स है हमारे पास है, बट स्पेस का नहीं है, देन वी विल फोकस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवर देयर। सो फॉर मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स एसोसिएटेड विद दिस कोड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजंस आर मोर इंटरेस्टिंग देन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वी विल जस्ट डू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजंस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ द time requirement for the execution of the required for the execution of the whole algorithm of the program. जो भी algorithm है program है उसके सारे statement को fully execute होने में जितना time का requirement है, that is known as the time complexity. और इसको हम input की form में denote करेंगे in the terms of input. So यहाँ कुछ factors हैं जो time complexity को affect नहीं करेंगे, because we are just doing a generalized analysis here. We are not doing the analysis that is for a particular system, means system independent analysis यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, कंपाइलर की क्वालिटी पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। जनरलाइज कंट्रीब्यूशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, वन यूनिट क्या है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं, वाई लूप स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन उनको सेपरेटली हम अलग तरीके से देखेंगे कैसे उनको हम वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस फॉर एन एल्गोरिथम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन यूज एक्सेट्रा। नाउ एंड आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ एन एल्गोरिथम बाय एस्टिमेटिंग एन अपर बाउंड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड एंड टू कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम बिफोर डिसाइडिंग ऑन विच वन टू on which one to implement. So basically we will just focus on the upper bound or the worst case time complexity that is denoted by the O notation. ये हमने देख लिया था। So normally when we are doing the performance analysis of an algorithm or just we are comparing more than one algorithm, then we will focus on the upper bound or the worst case time requirement. So analysis is basically based on the amount of work done by the algorithm. So time complexity expresses the relationship between the size of the input and the run time. Kitna time lag raha hai usko depends on the kitna uska input hai. As the input is changing, the time also change. If the complexity is or that depends on the input of that particular algorithm. ओके, सो यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोपोर्शनली रदर देन एग्जैक्ट फंक्शन। हम क्या करते हैं उसको ऑर्डर, जैसे सपोज ये कैलकुलेशन आया टी ऑफ एन इक्वल 3n + n² + 2, तो इस फंक्शन की फॉर्म में शो नहीं करते, उसको हम प्रोपोर्शन की फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पे हायर कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है, देन वी कैन राइट इट लाइक टी ऑफ एन इक्वल ओ ऑफ एन स्क्वायर।
इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हो गया ना बिग ओ नोटेशन। तो टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस, वी समटाइम्स इग्नोर वर्क दैट टेक्स अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट ऑफ द प्रॉब्लम इनपुट साइज। जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पर टी ऑफ एन इक्वल, सपोज इट इज 5n² + 3n + 2। तो देखो ये n पे डिपेंडेंट है, ये n पे डिपेंडेंट है, ये नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल डिपेंड्स ऑन दिस होल, बट अब इसमें भी मैं अभी बताता हूँ आपको कि इसको हम फाइनली कैसे एग्जैक्टली प्रोपोर्शन की फॉर्म में शो करेंगे, लाइक ओ ऑफ एन स्क्वायर ओ ऑफ एन। तो व्हेन वी कंपेयरिंग टू एल्गोरिथम दैट परफॉर्म द सेम टास्क, वी ऑफन जस्ट कंसंट्रेट ऑन द डिफरेंसेज बिटवीन द एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ द टाइम। तो सिंप्लीफाइड एनालिसिस कैन बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म, नंबर ऑफ कंपेरिजन मेड ही ऑपरेशन जो हो गया, नंबर ऑफ टाइम थ्रू अ क्रिटिकल लूप, नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स एक्सेट। तो दीज कैन बी सम ऑफ द थिंग्स विच वी कंसिडर वाइल वी विल कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। वर्स्ट केस एंड एवरेज केस ये हमने देख लिया था। तो वर्स्ट केस एनालिसिस इज यूज टू फाइंड एन अपर बाउंड एन एल्गोरिथम परफॉर्मेंस फॉर लार्ज प्रॉब्लम साइजेस, एंड एवरेज केस डिटरमाइन द एवरेज परफॉर्मेंस। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज यूजली सिंपलर टू वर्क आउट। ये कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ उस चीज को, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके उसको हम देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको स्लाइड में क्लियर कर देता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, तो देखो ये सिस्टम इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं हम, वी आर जस्ट डूइंग इट कंपाइलर इंडिपेंडेंट सिस्टम इंडिपेंडेंट, सो वी विल सिंपली डू इट इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म। ओके, कैसे? ये हमारे पास सपोज मेन प्रोग्राम है, इट इज मेन फंक्शन, इट इज अ कर्ली ब्रेस, एंड सपोज इट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। तो इट इज सम एक्स और वाई, ठीक है, एंड आई एम जस्ट राइटिंग अ स्टेटमेंट हियर, सम इक्वल एक्स प्लस वाई, एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। तो इसको हम अज्यूम नहीं कर रहे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, होता ही नहीं। जो भी हमारे स्टेटमेंट हैं, जैसे ये स्टेटमेंट है, तो इस पूरे कोड में इस स्टेटमेंट का, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो इस कोड की अगर मैं बात करता हूँ, देन आई कैन डिफाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड बाय यूजिंग टी ऑफ एन इक्वल, कितना कंट्रीब्यूशन है, 1 का कंट्रीब्यूशन है 1 यूनिट का। तो आई कैन राइट इट लाइक टी ऑफ एन इक्वल ओ ऑफ 1, ठीक है, कॉन्स्टेंट कंट्रीब्यूशन हो गया एक। तो सपोज ये तो ये हो गया, अब अगर मेरे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, सपोज आई एम राइटिंग इट लाइक दिस मेन, और मेरे पास स्टेटमेंट्स हो गए सम इक्वल एक्स प्लस वाई, एक्स इक्वल 5 और वाई इक्वल 6, और सपोज एक वेरिएबल और है जेड इक्वल सम माइनस एक्स, ये 4 स्टेटमेंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, वी विल सेपरेटली कैलकुलेट द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर ईच स्टेटमेंट, इसका 1 यूनिट ऑफ टाइम का, इसका 1 टाइम का, इसका 1 का, इसका 1 का। तो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट कितना हो गया, टी ऑफ एन इक्वल 1 + 1 + 1 + 1, दैट इज 4। वी कैन राइट इट लाइक टी ऑफ एन इक्वल ओ ऑफ के, वट इज दिस के, इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो है क्या बेसिकली, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सिटी हैं, ये वाली और ये वाली, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजर इनपुट, जो हमारी एन की वैल्यू है या यूजर इनपुट है। यहाँ पे यूजर कुछ भी इनपुट में देगा तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये कॉन्स्टेंट है ये वाली वैल्यू, ठीक है। बट कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, वो सिस्टम डिपेंडेंट होती हैं। हाउ, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट का निकाला, यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट से इनका चेक किया। अब देखते हैं, सपोज वी आर हैविंग अ लूप हियर, फॉर ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है आई इक्वल 1, तो आई लेस देन इक्वल एन, आई प्लस प्लस, ओके, और यहाँ पे एक
कोई भी एक स्टेटमेंट है मेरे पास, ठीक है, सपोज द स्टेटमेंट इज दैट इज सम इक्वल सम प्लस आई, ठीक है। अच्छा, अब इस कोड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी तो मैं थोड़ा इनडेप्थ बता देता हूँ, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, उसमें भी क्या होगा वही बता देता हूँ। देखो, इसको अगर हम फॉर लूप को डिवाइड करें इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में, दैन इट इज़ द इनिशियलाइजेशन पार्ट, इट इज़ द कंडीशन पार्ट, इसको मैं कर देता हूँ लेस देन इक्वल है, और इट इज़ द इंक्रीमेंट पार्ट, ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही है, ये सिंपल स्टेटमेंट होगा। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा और इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी वन यूनिट, बिकॉज ये एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, आई इक्वल वन, पूरा जब ये लूप एग्जीक्यूट होना है। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो जैसे आई इक्वल वन हुआ, यहाँ पे आ गए वन लेस देन इक्वल है, सपोज ये कंडीशन ट्रू है एंड कंट्रोल विल ट्रांसफर फ्रॉम हियर, दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, इट स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट एन टाइम, यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर इधर आएंगे, फिर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, फिर इधर आएंगे, ये भी एग्जीक्यूट होगा एन टाइम। ये वाला एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, ये कंडीशन चेक करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, मीन जितनी बार ये सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनसे वन टाइम एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट होगा, दैट इज एन प्लस वन। तो अब अगर मैं सारे स्टेटमेंट के कंट्रीब्यूशन को एक साथ लिख दूँ, देन टी ऑफ एन इक्वल वन प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस एन, वन प्लस एन प्लस वन प्लस एन प्लस एन, तो हो गया हमारे पास टी ऑफ एन इक्वल थ्री एन प्लस टू, ठीक है। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि जो ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, हम क्या करते हैं जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नोटेशंस की फॉर्म में शो करते हैं, देन वी सिंपली इग्नोर द कांस्टेंट पार्ट, इसको हम इग्नोर कर देंगे। दूसरा ये चीज़ है, व्हाट इज दिस, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, सपोज इन, अच्छा इनको हम यहाँ पे इग्नोर भी क्यों कर रहे हैं, तो सपोज द वैल्यू ऑफ द एन इज टेन रेज टू पावर सिक्स, 10 लाख है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता वहाँ पे बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, वेन एवर वी आर जस्ट डूइंग द परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड वी आर जस्ट फाइंडिंग द अपर बाउंड और द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो बहुत बड़ी वैल्यूज के ऊपर अज्यूम करके चलते हैं कि इनपुट इतना होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इन दैट केस दीज वैल्यूज विल बी इग्नोर, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं, इसका भी कोई इम्पैक्ट वहाँ नहीं पड़ेगा, इसलिए इस कॉन्स्टेंट को हटा देते हैं। देखो ये कॉन्स्टेंट तो वही है जैसे हमने लिखा था ना फंक्शंस में, जीरो लेस देन इक्वल एफ एन लेस देन इक्वल सी जी एन, तो दिस सी इज दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। अब जैसे ये था जीरो लेस देन इक्वल एफ एन लेस देन इक्वल सी जी एन, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी तो हम क्या लिख रहे थे वहाँ पे, एफ ऑफ एन इक्वल ऑर्डर ऑफ जी एन लाइक दिस। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, इस पूरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इट डिपेंड्स मेनली ऑन द एन, सो वी विल राइट इट लाइक टी ऑफ एन इक्वल ऑर्डर ऑफ एन इन दिस वे, ठीक है। इस पर डिपेंडेंट नहीं है, इस पर नहीं है, कॉन्स्टेंट है, इस पर डिपेंडेंट है, ये हो गया हमारा। अगर एक सिंपल हमारे पास फॉर लूप है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है। लेट सपोज नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल, सपोज वी आर हैविंग अ नेस्टेड लूप फॉर आई इक्वल वन आई लेस देन इक्वल एन और आई प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट है। इसके अंदर हमारे पास दूसरा लूप है फॉर j इक्वल वन j लेस देन इक्वल एन j प्लस प्लस, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास कोई स्टेटमेंट आ गया सम, या इसको छोड़ो, स्टेटमेंट को भूल जाओ, यहाँ पे क्या है, ये लूप्स हैं, तो बिकॉज इस कंट्रीब्यूशन पूरे पूरे सारे समीशन जब करेंगे कंट्रीब्यूशन एनालिसिस का, तो उसमें जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उसी को अज्यूम करके चलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में। जैसे सपोज मेरे पास है टी ऑफ एन इक्वल एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब प्लस एन, ये हैं तीन वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इसका होगा। और हम क्या कर रहे हैं, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपर बाउंड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है, तो इसको वहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, ले लेंगे। तो इट विल बी टी ऑफ एन इक्वल ओ ऑफ एन क्यूब, ठीक, इनको इग्नोर कर देंगे, इनका कंट्रीब्यूशन इसके कंपेरिजन में कम होगा। ओके, सो दिस विल एग्जीक्यूट एन टाइम्स, दिस विल एग्जीक्यूट एन टाइम, बट दिस विल एग्जीक्यूट एन टाइम फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई। ये जो लूप है ये हर एक आई की वैल्यू के लिए एन टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो अगर टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ इनका, ये हो गया टी ऑफ एन इक्वल एन इंटू एन, मीन्स फॉर आई एन टाइम्स के लिए एन टाइम चलेगा, तो कंट्रीब्यूशन विल बी एन स्क्वायर, तो इट विल बी ओ ऑफ एन स्क्वायर लाइक दिस। सपोज इसमें एक और लूप आ जाता है, वो भी एन टाइम चलता है, तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ओ ऑफ एन क्यूब, ठीक है। तो मैक्सिमम जो वैल्यू, जैसे मैंने बताया, जो भी फंक्शन आपके पास आ रहे हैं उनमें जो मैक्सिमम जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वी विल टेक दैट, वी विल इग्नोर ऑल द कॉन्स्टेंट वैल्यूज, जैसे जो भी प्लस में कुछ हो रहा है या यहाँ पर जो आगे कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, वी विल जस्ट फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ द इनपुट, इनपुट के टर्म्स में हम कॉम्प्लेक्सिटी को वहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो ये सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए, ये एक फॉर लूप स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा नेस्टिंग हो गई लूप्स की। सपोज आई एम हैविंग कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लाइक इट इज इफ एंड इट इज लाइक, जो भी हमारी कंडीशन यहाँ पे है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया इफ वाला, फिर आ गया एल्स, और ये एल्स की बॉडी हो गई, ठीक है। यहाँ जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वी आर नॉट डिनोटिंग दैम। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में अब हमको ये नहीं पता कि ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, तो कोई भी एग्जीक्यूट हो जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या इसका है, सपोज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी कोड लिखा है यहाँ पे उसकी आ रही है एन स्क्वायर और इसकी आ रही है यहाँ पे एन क्यूब, देन वी विल कंसिडर दिस वन। सपोज इसकी आ रही है यहाँ पे 2^n, इसकी आ रही है एन क्यूब, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो दोनों में से इफ देन और एल्स पार्ट में से जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, वी विल टेक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, और वो हमारा फाइन। हाँ बेटा, सर, ये आपने कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया सर, कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यहाँ पे फोर स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे थ्री स्टेटमेंट्स हैं, तो जब ये फोर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पे, तो सपोज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का कंट्रीब्यूशन है, टाइम का कंट्रीब्यूशन है, वो फोर यूनिट्स का है, ये एग्जीक्यूट होता है, इसमें कंट्रीब्यूशन है थ्री यूनिट्स का है, या कंट्रीब्यूशन से बोलें थ्री यूनिट ले रहा है, तो कंट्रीब्यूशन से मीनिंग है पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने में, जो हम जो सम अप कर रहे हैं वैल्यूज को, तो ये कितना इसमें से आ रहा है, कितना इसमें से आ रहा है, दैट इज द बेसिकली वर्ड कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सर। ओके, तो सपोज यूज स्टेटमेंट्स हैं, इनको एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है 2^n, इसको एग्जीक्यूट होने में लग रहा है एन, तो जिसमें ज़्यादा टाइम कंजप्शन हो रहा है, जो भी स्टेटमेंट ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, वी विल टेक दोज एंड वी इग्नोर द अदर, ठीक है। तो ये हो गया इफ देन एल्स के अंदर। अब नॉर्मली ये स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास, फॉर लूप्स हो गए या सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होती हैं, उनमें उनका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कैसे करते हैं, वी विल सी देम सेपरेटली, बिकॉज जब रिकर्सिव फंक्शन आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज नोन एज द रिकरेंस, रिकरेंस एंड रिलेशंस। तो वेन एवर वी आर डिनोटिंग द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ रिकरेंस, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है रिकरेंस रिलेशन। तो रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग फोर मैथड्स ओवर देयर, दैट कैन बी सब्स्टिट्यूशन मैथड, इटरेशन मैथड एंड रिकर्जन ट्री मैथड एंड मास्टर थियोरम। सो दे आर फोर टाइप्स ऑफ मैथोलॉजीज विच कैन बी यूज टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। तो उनको सेपरेटली देखेंगे। इटरेटिव मेथड है, रिकर्जिव फंक्शन नहीं है, तो उसमें हर एक फंक्शन का सेपरेटली कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो किस तरीके से हर एक स्टेटमेंट का कितना कितना रोल है पूरे उसमें, और फाइनली सम अप करके हमारा जो भी फंक्शन आएगा एन के टर्म्स में
तो जिस भी वैल्यू का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट उसमें वैल्यू होगी, लाइक इट कैन बी एन क्यूब और एन स्क्वायर, तो जो सबसे ज़्यादा वाला होगा उसको ले लेंगे, एंड द होल कॉम्प्लेक्सिटी विल डिपेंड्स ऑन दैट, एंड वी कैन राइट द कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्म ऑफ दैट, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्स्ट केस एनालिसिस ओनली, वी विल फोकस ऑन द वर्स्ट केस एनालिसिस. तो दिस वन इज द बिग ओ. ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पे हम, इससे और आपको बेटर वे में क्लियर हो जाएगा. तो विद इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप, ये तो इससे पहले वाले डिपेंडेंट थे. विद इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप द नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द इनर लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द आउटर लूप. इट इज एग्जीक्यूटिंग फॉर जे इक्वल वन, जे लेस देन इक्वल एन बाई टू जे प्लस प्लस. इट इज एग्जीक्यूटिंग फॉर के इक्वल वन, के लेस देन इक्वल एन स्क्वायर एंड के प्लस प्लस. एंड ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हो गया. सो दिस आउटर लूप इज एग्जीक्यूटिंग एन बाई टू टाइम्स एंड द इनर लूप इज एग्जीक्यूटिंग एन स्क्वायर टाइम. ठीक है, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ दिस जे इट विल एग्जीक्यूट एन स्क्वायर टाइम. तो टोटल एग्जीक्यूशन कितना होगा, तो इनर लूप कितना एग्जीक्यूट होगा, एन बाई टू मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर मीन्स एन क्यूब बाई टाइम. ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी वो किस ऑर्डर में होगी, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एन क्यूब. मैं वापस बताता हूँ इसको, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको. जैसे हमने वहाँ क्या किया था, हमने वहाँ लिया था जे इक्वल वन टू जे लेस देन इक्वल एन एंड के इक्वल वन टू के लेस देन इक्वल एन, ऐसे था वो. तो हर एक जे की वैल्यू के लिए एन टाइम एग्जीक्यूट होगा. तो जब ये एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये एन टाइम्स के लिए एन टाइम एग्जीक्यूट होगा, मीन दैट विल बी एन इंटू एन. यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज एग्जीक्यूटिंग फॉर एन बाई टू टाइम्स, और हर एक जे की वैल्यू के लिए ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एन स्क्वायर टाइम. तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एन बाई टू मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, दैट इज एन क्यूब बाई टू. अब इसको बिग ओ नोटेशन की फॉर्म में डिनोट करें, देन दैट इज पी ऑफ एन इक्वल ओ ऑफ एन क्यूब. तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी, इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन क्यूब. ये कोड हो गया, विद इंडिपेंडेंट नेस्टेड लूप द नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द इनर लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ द आउटर लूप. ये एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे, आई इक्वल एन बाई टू इनिशलाइज हुआ और आई लेस देन इक्वल एन आई प्लस प्लस. ये एग्जीक्यूट हो रहा है जे इक्वल टू, जे लेस देन एन और जे इक्वल जे मल्टीप्लाई बाई टू. तो ये टोटली इंडिपेंडेंट है. तो अब इसमें हम देखें, वी कैन नोटिस लाइक जे इज डबलिंग. ये जो जे की वैल्यू है हर बार डबल हो रही है यहाँ पे, जे इक्वल जे मल्टीप्लाई बाय टू. ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन डबल अ नंबर टिल इट इज लेस देन टू एन वुड बी लॉग एन. ये डबल डबल डबल, एक तो अगर इसको हम सिंपली प्लस 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 करके इसको लेके जाएं, और अगर डबल डबल करके लेके जाते हैं तो बहुत जल्दी एन हो जाएगा. कितना टाइम लगेगा उसमें, लॉग ऑफ एन टाइम लगेगा. ठीक है, लाइक इट इज लाइक एन इक्वल 16 है तो 2 4 8 16, और 1 1 1 करता हूँ तो 16 तक. एन इक्वल 32 है तो 2 4 8 16 32, लाइक दिस. तो सो जे वुड रन फॉर ओ लॉग एन टाइम. इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसको आप एक सिंपल वे में समझ लो, अगर ये यहाँ पे डबल हो रहा है और अगर ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लाइक दिस जे बाई टू, तो कंट्रीब्यूशन लॉग ऑफ एन की फॉर्म में, डबल में भी लॉग ऑफ एन की फॉर्म में होगा और डिवाइड में भी लॉग ऑफ एन की फॉर्म में होगा. जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अलग होगी, ये हो जाएगा जे ग्रेटर देन इक्वल वन, वो डिवाइड होता जा रहा है, कम 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 होता जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है. यहाँ एन के इक्वलेंट ले जाएंगे और वहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी एन से होगा अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो. अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है जहाँ पे डबल हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो लॉग ऑफ एन की फॉर्म में उस पर्टिकुलर कोड की कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. तो ये इनर जो कोड है इट विल एग्जीक्यूट फॉर लॉग ऑफ एन टाइम, पर ये चल रहा है एन बाई टू टाइम्स, तो ये कितनी बार चलेगा, जैसे एन बाई टू से इनिशलाइज किया तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, अप टू एन बाई टू टाइम टोटल. तो एन बाई टू मल्टीप्लाई बाय लॉग एन, दैट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज एन ओ ऑफ एन बाई टू लॉग एन. ये यहाँ पे प्रॉपर वे में शो नहीं कर रखी है, देखो ये हो गया एन बाई टू मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एन. तो अब क्या करेंगे, इसको हटा दो यहाँ से, ये हो जाएगी एन लॉग एन और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन. नाउ सपोज वी आर हैविंग दिस कोड, इंटीजर ए इक्वल जीरो, आई इक्वल एन, हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है वाइल आई ग्रेटर देन जीरो. आई ग्रेटर देन जीरो टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और हम क्या कर रहे हैं,
ए प्लस इक्वल आई और आई इक्वल आई बाई टू, ये वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे आई की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है किस उसमें क्या बोलते हैं डिवाइड होती जा रही है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, लॉग ऑफ एन, डिवीजन हो टू 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 के अंदर या इंक्रीज हो टू 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 के अंदर, उस अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन की फॉर्म में हम उसको डिनोट करेंगे। अगर डिपेंडेंट लूप हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी अलग हो जाती है। सो विद डिपेंडेंट नेस्टेड लूप नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ द इनर लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू फ्रॉम द आउटर लूप। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ओके, सो इन द केस ऑफ डिपेंडेंट नेस्टेड लूप द नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ द इनर लूप वो डिपेंड करेंगे आउटर लूप की वैल्यू पे। जैसे कुछ हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं उनमें इनर लूप डिपेंड करता है आउटर लूप पे। आई थिंक ये होता है सिलेक्शन सॉर्ट के केस में। ओके, सो ये एग्जाम्पल है एक एन एक्स इक्वल जीरो इंटू जे इक्वल वन, जे लेस देन एन, जे प्लस लेस देन इक्वल एन, जे प्लस प्लस, ये के से इनिशियल इक्वल वन से इनिशियलाइज किया बट के लेस देन थ्री इंटू जे, ये इसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट हो के प्लस प्लस। तो व्हेन जे इक्वल वन इनर लूप एग्जीक्यूट थ्री टाइम्स, जे इक्वल वन के लिए कितनी बार चलेगा, तीन बार चलेगा क्योंकि ये थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। जे इक्वल टू तो कितनी बार चलेगा, सिक्स टाइम चलेगा। जे इक्वल एन तो कितनी बार चलेगा, जे इक्वल एन ये आपके व्हेन जे इज एन द इनर लूप एग्जीक्यूट थ्री इंटू एन टाइम्स, तो इन ऑल द इनर लूप एग्जीक्यूशन इज थ्री प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस थ्री एन। अगर उसको फाइंड आउट करें हम तो हमारा इनर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है थ्री एन स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एन बाई टू टाइम। तो द एल्गोरिथम विल एग्जीक्यूट फॉर ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम, जो हमारा जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी, सॉरी कंट्रीब्यूशन वर्ड को वैसे मैं देखो इस एल्गोरिथम ये जो मैं कोड को एज्यूम करके चल रहा हूँ जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ओ ऑफ एन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ओ ऑफ एन स्क्वायर। नाउ दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर डिपेंडेंट नेस्टेड लूप द नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ द इनर लूप डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द आउटर लूप आई इक्वल जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस जे इक्वल एन जे ग्रेटर देन इक्वल आई और जे माइनस माइनस। तो ये जो वैल्यू है ये डिपेंड हो रही है अंदर इनर लूप की आउटर लूप के ऊपर। तो द अबव कोड रन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इनिशियली इट विल एग्जीक्यूट एन टाइम्स, जैसे जे इक्वल एन से इनिशियलाइज किया और ये आई की वैल्यू इनिशियली क्या है यहाँ पे जीरो है, तो ये एन टाइम चलेगा, फिर एन माइनस वन टाइम चलेगा, फिर एन माइनस टू टाइम चलेगा, फिर वन टाइम, फिर जीरो टाइम, जैसे 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 हमारी जे जैसे आई की वैल्यू एन हो जाएगी तो जे ग्रेटर देन एन उस टाइम वहाँ जीरो टाइम चलेगा। अब इसको सम अप कर लो, इसका सम अप अगर ये बेसिकली इट इज़ द ये समेशन हो गया वन टू एन प्लस जीरो, या बोलें समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दैट विल बी इट इज़ हाफ ऑफ एन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एन। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, एन स्क्वायर, इसका इसका वैल्यू कम है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, या हम बोलें कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा ये कम कंट्रीब्यूशन देगा, तो ओ ऑफ ये हो जाएगा इसका ओ ऑफ एन स्क्वायर पूरे कोड का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, तो लॉग ऑफ एन जैसा अज्यूम दैट द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स अ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो दिस चार्ट समराइजेज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एफ एन इंस्ट्रक्शन ऑन दिस मशीन ऑन वेरियस वैल्यूज ऑफ एन। अगर एन की वैल्यू 10^3 है तो ये टाइम लेगा 10^-5 सेकेंड, ये टाइम लेगा 10^-3 सेकेंड, ये 0.01 सेकेंड, इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये टाइम रिक्वायरमेंट्स है। तो देखो ये हो गया, अगर 2^n है तो कितना टाइम आ रहा है, 10^285 सेंचुरीज का मीनिंग क्या है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं दोज प्रॉब्लम्स आर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम पॉलिनोमियल टाइम में बाउंड कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ऐसा फाइंड आउट कर लें जो पॉलिनोमियल टाइम में हमको सॉल्यूशन दे रहा है, देन दोज आर इजी प्रॉब्लम। बट अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम कंजप्शन है, देन दोज आर द अनडिसाइडेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे देख लो एन इसकी हमने वैल्यू इंक्रीज, तो टाइम कितना इंक्रीज हो गया है, एन की वैल्यू इंक्रीज होती है टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, ये सबसे कम टाइम लेगा, ये अनसॉल्वेबल या वेरी वेरी हार्ड टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाएंगे।